हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि सिचुएशन कुछ सही नहीं थी, थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी। तो आज मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ब्लॉग लेकिन रेगुलर जा रहे थे क्योंकि पुराने ब्लॉग जो थे अपलोड थे, तो मैं एक दिन पब्लिक कर रही थी सारे ब्लॉग को। और यहाँ मेरा आज गुलाब जामुन खाने का मन हुआ तो मैंने बना लिए गुलाब जामुन। ये मैंने थोड़ा सा इसमें से खा रही हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ, यहाँ पे लेटूंगी, लेटे लेटे देखूंगी मूवी और बोतल में पानी भी ले ली हूँ। ये नॉर्मल पानी है और गर्म भी पानी पीने का मन नहीं कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पे दूध मेरा खौल चुका है तो इंडक्शन को मैं बंद कर दूँ। और आज मैंने गैस को साफ कर दिया था क्योंकि बहुत दिन से साफ नहीं कर रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। गैस एकदम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसका बर्नर मतलब कहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे है। सो गाइस, मेरा रात का जो डिनर है वो एकदम से ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम लोग खाने चल रहे हैं, मम्मी खा रही हैं और वहाँ पे पापा को निकाल दिए गए, दो पराठा और थोड़ी सी सब्जी। और अपने लिए मैं यहाँ पे लेने चल रही हूँ, वहाँ कटोरी में मेरी सब्जी है, यहाँ प्लेट में पराठा और ये रोटी मैं कुत्ते के लिए बना रही हूँ। एक बार सोची पराठा बना दूं कि ये जो कुत्ती है ना, इसे पराठा जो आती है हमारे यहाँ कुतिया, वो पराठा नहीं खाती है, तो मैं इसलिए उसके लिए लास्ट में एक रोटी बना रही हूँ। और अभी 12 बजे तक लोग आएंगे शादियों में से, इसे ढक देते हैं, तभी है नहीं, जब आएंगे तब अपना खाएंगे। तो इस रोटी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाऊंगी। अभी बज रहे हैं 8:11। सो गाइस, मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे चाय हो गई है, सब मतलब पी चुके हैं। तीन लोग सो रहे हैं, तीनों भाई, एक ड्यूटी वाले भी आ गए हैं, तो दो जो पहले से थे वो दोनों सो रहे हैं। और यहाँ पे है आलू और करेला की सब्जी, आलू नहीं है खाली करेला है, और इसे लेके चल रहे हैं चावल चलाने के लिए। सारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस आटा गूंथ के मुझे रोटी बनानी है। यहाँ पे है दाल, अब इसमें तड़का लगाना है, सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। और यहाँ है चावल, कब से इधर घूम रही हूँ, सोच रही हूँ अच्छा मतलब दाल ही तड़का लगा दूँ, आटा गूंथ की रोटियाँ बना दूँ, देखती हूँ कब तक करती हूँ, भी चावल चला देती हूँ। गाइस, ये रात का टाइम है, अभी मैं ये दवा खाने का मेरा टाइम है, तो यहाँ पर मैं दवा ले रही हूँ। मुझे ये वायरल फीवर कोरोना टाइप हो गया, हाँ, तो इसमें 5 दवा है। और यहाँ पे रखा गया है हल्दी वाला दूध, डॉक्टर ने बोला है रात को हल्दी वाला दूध पीना है ताकि इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी मजबूत हो जाए। और बॉटल में पानी, ये गर्म पानी करके मैंने रख लिया है। और दवा मैं खोल लेती हूँ, ये सारी दवा एक हाथ से नहीं खोलूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इंडक्शन पर तवा रख दिया है। हर बार ट्राई करती हूँ इंडक्शन पर रोटी बनाने के लिए, लेकिन एक भी बार रोटी नहीं बन पाती है, कुछ ना कुछ पोपट हो जाता है, रोटी बन ही नहीं पाती, पता नहीं क्या गड़बड़ होती है। और हमारे रिलेशन में जितने लोग लिए इंडक्शन, यही नॉर्मल तवे पर रोटियाँ बना लेते हैं। मैंने पहले एकदम इंडक्शन गैस पर तवा को हीट किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो तब इंडक्शन पर रखती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, लेकिन हर बार कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे रोटी डाल रही हूँ, आप लोग को लाइव डेमो दिखाऊंगी कि रोटी कैसी बनी कैसी नहीं बनी।
तो यहाँ पर आप लोग देख, अभी तो प्रोसेस सही चल रहा है, अभी रोटी सही हुई है, लेकिन इसके बाद वाला प्रोसेस जो होता है ना, वो एकदम गड़बड़ होता है। रोटी एकदम फालतू बनती है, कुछ भी अच्छी रोटी नहीं बनती है। इसलिए मेरा इंडक्शन पर रोटी बनाने का मन नहीं होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर इंडक्शन पर रोटी बनने लगे तो गैस की थोड़ी सी बचत होगी, और मैं सोच रही हूँ एक तवा ले लूँ इंडक्शन पर रोटी बनाने के लिए। अभी सोच रही हूँ, अभी मैंने किसी को रोटी बनाते हुए इंडक्शन वाले तवे पर देखा नहीं है, तो इसलिए मैं तवा नहीं ले रही हूँ। इतना मतलब रहता है कि अच्छी रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं तवा नहीं ले रही हूँ तवा। लेकिन सोचती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ अभी। और यहाँ पे सब्जी हो गई है, फिर मैंने गैस पर रख रही हूँ तवा, क्योंकि इंडक्शन पर रोटी बिल्कुल भी नहीं बनी, एकदम बकवास रोटी बनी है। आप लोग देख सकते हैं, मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, मम्मी रोटी बेल रही है नीचे, क्योंकि इंडक्शन ऊपर था इसलिए मम्मी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। सो गाइस, यहाँ पे तबीयत सही नहीं है, फिर भी काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं आलू और कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। उसमें मैंने एक कोहड़ा, मतलब कद्दू हमारे यहाँ कोहड़ा बोला जाता है, वो डाली हूँ। एक प्याज, दो टमाटर और ये छोटे छोटे साइज के 4-5 आलू। तो अभी बज रहे हैं 7 और यहाँ पे मोबाइल में मैं टीवी शो देख रही हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।